गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आप लोग को लार्ज नंबर बताएंगे, ठीक है। लार्ज नंबर 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट एंड 7 डिजिट के बारे में बताएंगे। 4 डिजिट स्टार्ट करते हैं। 4 डिजिट 4548 लिखेंगे और इसे हम बोलेंगे यहाँ पे 4548। अब प्लेस वैल्यू, ओ फोर वंस, टी फोर टेंस, एच फोर हंड्रेड, टी एच फोर थाउजेंड। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। यदि 1 पे हम 30 डालते हैं तो वो 1000 हो जाएगा और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9999 हो जाएगा, ठीक है। यदि 49 लिखते हैं और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10000। चलिए 5 डिजिट अब बताते हैं। 37704 लिख दिए, ठीक है। अब इसका इसे हम बोलेंगे 37704 बोलेंगे, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू बताते हैं। ओ फोर वंस, टी फोर टेंस, एच फोर हंड्रेड, टी एच फोर थाउजेंड, टी टी एच फोर 10000, ठीक है। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज हो जाएगा 10000 और ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 99999, ठीक है। अब चलिए 59 में यदि 1 ऐड कर देते हैं तो ये 6 डिजिट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 लाख। 6 डिजिट 5 लिखेंगे 78098, ठीक है। अब इसे बोलेंगे हम 5,78,098, ठीक है। अब चलिए इसे प्लेस वैल्यू बताते हैं। ओ फोर वंस, टी फोर टेंस, एच फोर हंड्रेड, टी एच फोर थाउजेंड, टी टी एच फोर 10000, एल फोर लाख। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1 लाख और 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 9,99,999, ठीक है। चलिए अब 7 डिजिट, 7 डिजिट में लिखेंगे 9896437, ठीक है। इसे हम बोलेंगे 98,96,437 बोलेंगे, ठीक है। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 10 लाख, ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 99,99,999। बस आप समझ गए बच्चों लार्ज नंबर क्या हो जाता है, होता है और इसका किस नंबर का क्या प्लेस वैल्यू है, ये आप वीडियो से देखें और याद करें।